देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। कौशाम्बी सिराथू विधानसभा की विधायक पहुंची, अयोध्या सिपाहियों ने किया जोरदार स्वागत। अगली खबर यूपी के जनपद अयोध्या से है। कौशाम्बी जिले के सिराथू विधानसभा के विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल के अयोध्या पहुंचने पर सिपाहियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। बताते चले, अयोध्या जनपद के दर्शन नगर निधान कपूरवा में अपना दल की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व कौशाम्बी जिले के विधानसभा सिराथू की विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर गौरव हॉस्पिटल का फीता काटकर उद्घाटन किया। कटहरी विधानसभा के मौजूदा विधायक लालजी वर्मा भी शिरकत करने पहुंचे थे। विशिष्ट मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर एएन तिवारी का भी स्वागत किया गया। आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत हाईकोर्ट के अधिवक्ता रामशिला पटेल ने बुके देकर सम्मानित किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए रामशिला पटेल ने बताया, गरीब, दलित, शोषित और वंचित वर्गों के लिए एक हॉस्पिटल बनाया जाए जहां पर उनका निःशुल्क इलाज हो सके। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने अयोध्या पहुंची सिराथू विधानसभा की विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल ने कहा कि राम पटेल जी ने ग्रामीण अंचल में अस्पताल को खोलकर बहुत ही नेक कार्य किया है। उन्होंने कहा, सामाजिक उत्थान के लिए हर सामाजिक व्यक्ति में समाज सेवा की भावना होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ग्रामीण अंचल में चिकित्सा की व्यवस्था और बेहतर हो जाएगी। सिराथू विधायक पल्लवी पटेल के अयोध्या पहुंचने पर समाजवादी पार्टी में रहे पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे ने बुके देकर और माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत भी किया। मिल्कीपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक अवधेश प्रसाद भी मंच पर मौजूद रहे। वाइट डॉक्टर पल्लवी पटेल, बाइट रामशिला पटेल, वरिष्ठ अधिवक्ता हाईकोर्ट। आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता मनोज यादव की यह रिपोर्ट अयोध्या से। बचपन से सपना रहा और माता पिता जी ने हम लोगों को शिक्षा का अवसर दिया। हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई लिखाई किया। पढ़ाई लिखाई करने के बाद वहीं से यह सपना उजागर हुआ कि समाज सेवा हमें करना है। और वहाँ बहुत कुछ देखने के बाद हमें ये समझ में आया कि समाज में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो गरीब तबका है वो वंचित रह जाता है। शोषित वंचित जो गरीब तबका है उसके लिए कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। लोग मल्टी सिटी में बड़े बड़े हॉस्पिटल बना लेते हैं लेकिन वहाँ पर जो है गरीब तबका नहीं। और आज जिस प्रकार से जिस सोच के साथ निशुल्क कैंप के साथ आपने इस काम की शुरुआत की है, कहीं ना कहीं आपने जो शपथ ली थी कि संविधान को अंगीकार करेंगे, वो संविधान की उस सोच को आपने यहाँ दर्शाने का काम कर दिया है कि हर हर घर में हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचेंगी। और आज निशुल्क कैंप का आयोजन करके आपने उस सोच को जमीन पर लाने का काम कर दिया है। गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि इस कार्यक्रम का एक हिस्सा मैं भी। और जब जब गौरव हॉस्पिटल का नाम इस क्षेत्र के सबसे बड़े हॉस्पिटल में लिया जाएगा, डॉक्टर पल्लवी पटेल का नाम भी उसके साथ लिया जाएगा। बहुत बहुत आभार आप सभी यहाँ आए, आप सभी ने उत्साह ऊर्जा दी, आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। नमो बुद्धाय। लेकिन जिस प्रकार से आज डॉक्टर अखिलेश पटेल जी ने और रामशिला पटेल जी ने एक सोच को दर्शित करते हुए यहाँ पर एक हॉस्पिटल का निर्माण किया है, एक बड़ा संस्थान खड़ा किया है, निसंदेह अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए इस प्रकार की चीज़ों की शुरुआत कर देगा तो स्वास्थ्य का बहुत बेहतर हो जाएगा। छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।